सिराज का लौटा फॉर्म, बुमराह का दमदार परफॉर्मेंस, शमी ने लगाई ऐसी लंका, 10 ओवर में हाफ उठा श्रीलंका। सेमीफाइनल में टीम इंडिया की शानदार एंट्री, भारत ने लिया 27 साल पुराना बदला, सचिन देंगे खास शाबाशी। श्रेयस ने मारा ऐसा छक्का कि कुर्सी छोड़ भागी ये हीरोइन, केएल राहुल ने किया इशारा तब जाकर थमा बवाल। भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका की ऐसी लंका लगाई वो समझ गए कि प्रभु श्रीराम की धरती पर दिवाली के दिनों में स्वागत ऐसा ही होगा। शमी ने जो शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है उसने बता दिया है कि मुझे गेंद देने के बाद विकेट की चिंता मत करना। श्रीलंका पर जीत हासिल कर भारत ने वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में शानदार एंट्री मारी है और अब इंतजार इस बात का है कि उसका मुकाबला किस टीम से होगा। लेकिन फिलहाल ये जानना आपके लिए जरूरी है कि भारत ने श्रीलंका को कैसे हराया। दरअसल 358 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम को पहले ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने पहला झटका दिया। अगले ओवर में सिराज ने भी अपनी पहली गेंद पर दूसरे सलामी बल्लेबाज करुणारत्ने को बुमराह के स्टाइल में LBW आउट कर पवेलियन भेज दिया। लेकिन असली रोमांच अभी बाकी था क्योंकि शमी की शानदार एंट्री होने वाली थी। 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर शमी ने पहले चरित असलंका को चलता किया और अगली गेंद पर हेमंता को जीरो पर आउट कर हैट्रिक की उम्मीद बढ़ा दी। कप्तान रोहित ने करीब एक मिनट तक शमी के हिसाब से फील्डिंग लगाई लेकिन शमी हैट्रिक नहीं ले पाए, पर उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से टीम में जगह जरूर पक्की कर ली है। शमी के साथ ही इस मैच में आउट ऑफ फॉर्म चले श्रेयस का भी शानदार फॉर्म देखने को मिला। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रेयस ने 56 गेंदों में 82 रनों की शानदार पारी खेली। अपनी पारी में 6 छक्के और 3 चौके लगाए लेकिन इसी में एक छक्का ऐसा था जिससे बचने के चक्कर में बॉलीवुड हीरोइन आथिया शेट्टी को कुर्सी छोड़कर भागना पड़ा। और ये तस्वीर उसी दौरान की है जब 35वें ओवर में श्रेयस ने ये शानदार छक्का लगाया और आथिया कुर्सी से उठकर भागी तो क्रीज पर खड़े के राहुल ने आथिया की ओर इशारा कर पूछा कि चोट तो नहीं लगी। मैच खत्म होते ही राहुल ने आथिया का हाल चाल पूछा। आथिया शेट्टी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस बात पर हंसी आ रही है कि श्रेयस के बल्ले से लगी गेंद उन्हें सलाम करने आ रही है। अगर ये केएल राहुल के बल्ले से निकली होती तो सोशल मीडिया पर अलग माहौल हो जाता। इस मैच में केएल राहुल का बल्ला ज्यादा नहीं चला लेकिन विकेट के पीछे से राहुल ने जो कमाल दिखाया उसे रोहित हमेशा याद रखेंगे। राहुल भले ही बड़ा स्कोर नहीं बना पाए पर उनके अलावा हर खिलाड़ी ने शानदार भूमिका निभाई। रविंद्र जडेजा ने 24 गेंदों में 35 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया का स्कोर 358 पहुंचाया जिसने गेंदबाजों का हौसला और हाई कर दिया। वैसे तो श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने जैसा खेल दिखाया उससे यही लगता है कि टीम इंडिया ने अगर 250 रन भी बनाए होते तो जीत मुश्किल नहीं थी, पर कहते हैं कि बड़ा स्कोर हमेशा विरोधियों पर दबाव बना देता है। श्रीलंकाई कप्तान कुसल मेंडिस ने मुंबई की धूप में टॉस जीतने के बावजूद भी जो पहले फील्डिंग का फैसला लिया वहीं वो आधा मैच हार चुके थे। इस मैच में मजेदार बात तो ये रही कि यजवेंद्र चहल भी अपनी पत्नी धनश्री के साथ में टीम इंडिया को चीयर्स करने के लिए पहुंचे थे जिसे देखकर कई लोगों ने कहा चलो चहल भाई सुकून में हो, वरना सिलेक्शन भी होता तो शायद पानी ढोना पड़ जाता। एक तरफ श्रीलंकाई खेमे में जहां पर हार के बाद सन्नाटा पसरा हुआ था तो दूसरी तरफ टीम इंडिया के सबसे महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर उस दौर को याद कर रहे थे जब सिर्फ 22 साल की उम्र में साल 1996 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल देखने वो उतरे थे। कोलकाता की ईडन गार्डन मैदान में खेले गए इस मुकाबले में श्रीलंका ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 281 रन बनाए थे जिसके जवाब में उतरी टीम इंडिया को 8 रन पर पहला विकेट गंवाना पड़ा। सचिन तेंदुलकर ने उस मैच में 98 रनों की शानदार पारी खेली पर टीम इंडिया को हार की ओर जाता देख फैंस इतने नाराज हुए कि बीच मैच में ही फील्ड पर बोतल फेंकने लगे। 34.1 ओवर में ही अंपायर को मैच रोकने का फैसला लेना पड़ा। मैच रेफरी ने बिना पूरा मैच हुए ही श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया, पर उस हार की टीस आज भी सचिन के सीने में है। और जब श्रीलंका को टीम इंडिया ने उनके सामने उसी स्टेडियम में हराया जहां पर एक दिन पहले मास्टर ब्लास्टर की प्रतिमा लगी थी तो सचिन का सीना चौड़ा हो गया। सचिन के लिए शानदार बात तो ये थी कि उनका रिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर खड़े कोहली ने इस मैच में 88 रनों की शानदार पारी खेली। उनके नक्शे कदम पर चलने वाले शुभमन गिल ने 92 रन का बड़ा स्कोर बनाया। इसीलिए मैच के बाद सचिन ने अलग से पूरी टीम को शाबाशी दी। टीम इंडिया के इस शानदार परफॉर्मेंस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है टीम इंडिया के सेमीफाइनल में किस टीम से भिड़ंत होगी? कॉमेंट कर बताएं।